सीधे रुख करते हैं लखनऊ का, जहां इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। और आज भाइयों बहनों, ये परिवर्तन आपको देखने को मिलना होगा। अब तो समाजवादी पार्टी भी कह रही है, अब जनता अगर समर्थन देगी तो कानून पर थोड़ा ध्यान दे देंगे हम लोग। लेकिन जनता जानती है, ये लोग आएंगे, इनके धमकी बाज जो धमकी दे रहे हैं, ये धमकी बाज कभी बाज नहीं आने वाले हैं। क्योंकि चार साल साढ़े चार वर्ष तक बिलों के अंदर दुबके हुए थे, और चुनाव की घोषणा के बाद उनको लगा कि अब हम लोग चुनाव में व्यस्त हो गए हैं, टिकट मिल गया, जिनको लगता था धमकी दे के काम हो जाएगा। मैंने उनको बोल दिया, चिंता मत करो, 10 मार्च के बाद फिर हम ही आ रहे हैं। 10 मार्च के बाद गर्मी भी शांत हो जाएगी। भाइयों बहनों, लखनऊ आज डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, और मैं तो देखता हूं यहां पर किस मजबूती के साथ कार्य हुआ है। अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं कि यहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से अकेले लखनऊ जनपद में 2,10,000 से अधिक किसानों को 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है। 41,500 से अधिक किसानों का कर्ज माफ हुआ था लखनऊ में। और भाइयों बहनों, अगर मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूं, देखिए मैं केवल लखनऊ का आंकड़ा बता रहा हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश में कुल 18,000 गरीबों के लिए मकान स्वीकृत हुए थे, किसी गरीब को मिला नहीं था, फाइल में स्वीकृत हुए थे। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इसी कालखंड में 43,50,000 से अधिक गरीबों को एक एक मकान दे दिया है। 43,50,000 से अधिक गरीबों को। और भाइयों बहनों, लखनऊ में 33,278 गरीबों को एक एक मकान मिल गया है। आप परिवर्तन देख सकते हैं। वे लोग पूरे प्रदेश में 18,000 नहीं दे पा रहे थे, और यहां पर अकेले लखनऊ में 33,278 गरीबों को एक एक आवास मिल गया है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार का लाभ पूरे प्रदेश को दिया है, और इसका जीता जागता उदाहरण है कोरोना। कोरोना महामारी में पूरी दुनिया तबाह है, पूरी दुनिया में कोरोना से लाखों लोगों की मौत हुई है, लेकिन भाइयों बहनों, देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन का कार्य जिस मजबूती के साथ हुआ है, देश और दुनिया ने उसकी सराहना की है, पूरी दुनिया ने उसकी सराहना की है, जिसमें जीवन भी बचाने की गारंटी थी और जीविका को बचाने की गारंटी भी थी। प्रयास किया सरकार ने कि अधिक से अधिक लोगों के जीवन को बचाया जाए, लेकिन फिर भी अगर मौत हुई है, हमारी पूरी संवेदना उन परिवारों के प्रति है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोरोना प्रबंधन, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है, आपका अभिनंदन। ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है, लेकिन जो लोग कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को कमजोर करना चाहते थे, वैक्सीन का विरोध करते थे, वे वैक्सीन का विरोध करते थे और कहते थे कि वैक्सीन मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी वैक्सीन है। और भाइयों बहनों, मैं आज आप सबसे कहना चाहूंगा, अगर मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन ने कोरोना की तीसरी लहर में हमारी जान को बचाया है, तो वोट की चोट से उसका मजबूती से जवाब दीजिए विरोधियों को, मजबूती से जवाब दीजिए। भाइयों बहनों, मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं कि फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, और अब तक की दुनिया के अंदर जितनी महामारी आई है पिछले
हजार वर्षों के इतिहास को उठा करके देखिए, किसी महामारी में बीमारी से मौतें होती थी उससे कई गुना मौतें भूख से होती थी। भाइयों बहनों, फ्री में वैक्सीन है, सबके लिए वैक्सीन है, तो हर गरीब के लिए फ्री में राशन की सुविधा भी है। और डबल इंजन की सरकार है तो राशन का भी डबल डोज मिलना है कि नहीं मिलना है। हर गरीब को देने का कार्य और अब तो प्रदेश के गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए व्यवस्था भी दे दी है नेशनल पोर्टेबिलिटी सिस्टम के माध्यम से, कि अगर उत्तर प्रदेश का कोई श्रमिक महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, कर्नाटक के अंदर, केरल के अंदर या कहीं भी देश के अंदर कहीं काम कर रहा है तो यहां के राशन कार्ड से वहां भी वो राशन ले सकता है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। भाइयों बहनों, इस नए उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी है, हर व्यक्ति को सम्मान भी है, उसकी आस्था का सम्मान भी है। पहले नौकरी निकलती थी, सिपाही खानदान नौकरी की निकलती, चाचा भतीजा वसूली में निकल पड़ते थे। हाँ, किसी गरीब को नौकरी नहीं मिल पाती थी, बिना पैसे के नौकरी नहीं मिल पाती थी, और हम लोगों ने 5 साल में 5 लाख नौजवानों को नौकरी दी है। सुरक्षा का बेहतर माहौल हुआ, यहां पे निवेश हो रहा है, 1,61,00,000 नौजवानों को हम लोगों ने रोजगार और नौकरी प्राइवेट सेक्टर में दी है, और एमएसएमई सेक्टर में 1 जनपद 1 उत्पाद के माध्यम से 60,00,000 उद्यमियों को आगे बढ़ाने का काम भी किया है। भाइयों बहनों, हमारा युवा स्मार्ट हो, हमने 1,00,00,000 नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का संकल्प लिया है। अकेले लखनऊ में 37,000 से अधिक युवाओं को सुविधा दे दी गई, लेकिन जब तक ये योजना और आगे बढ़ती समाजवादी पार्टी ने कंप्लेंट कर दी चुनाव आयोग को। लेकिन हमने तय किया है कि अभी 1,00,00,000 नौजवानों को देंगे और 10 मार्च के बाद अगले 5 वर्ष के अंदर 2,00,00,000 नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन प्रदेश के अंदर। ये लोग समाजवादी अपने को कहते हैं, लेकिन भाइयों बहनों, गरीबों के निवाले को कैसे छीनते थे, राशन गरीब को नहीं मिल पाता था, वृद्धजनों की पेंशन को भी ले लेते थे, विधवा महिलाओं को भी नहीं छोड़ते थे, दिव्यांग जनों की पेंशन को भी खा जाते थे। आज भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर 1,00,00,000 वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना हम पेंशन दे रहे हैं, 12,000 रुपए सालाना। और भाइयों बहनों, अकेले लखनऊ के अंदर ही अगर मैं बताऊं तो 21,224 दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा दे रहे हैं, 20,999 विधवा महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है, और 56,997 वृद्धजनों को भी हम लोग 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ लखनऊ जनपद के अंदर के लिए दे रहे हैं। 15 करोड़ गरीबों को महीने में 2 बार फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। और भाइयों बहनों, अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो अकेले लखनऊ जनपद के अंदर 40,00,000 लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त करते हैं महीने में 2 बार। ये किसी भी संवेदनशील सरकार के कार्यक्रम का एक छोटा सा लेखा जोखा है, लेकिन भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, आज उत्तर प्रदेश विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है, लखनऊ स्मार्ट हो रहा है। यही लखनऊ था, छोटी छोटी बातों के लिए दंगा फसाद होता था, अराजकता फैलती थी, आज तो हम लोगों ने ऐसे लोगों के फोटो भी चस्पा कर दिए चौराहे चौराहे पर, अब कोई दंगा फसाद नहीं करता है, अब कोई अराजकता नहीं पैदा कर सकता, अब गुंडागिरी नहीं पैदा कर सकता, गरीबों के हक पर टकैती नहीं डाल सकता। भाइयों बहनों, ये बक्सी के तालाब में हमने, अविनाश त्रिवेदी ने हमारे विधायक के रूप में अच्छा काम किया, लेकिन पार्टी में हर एक कार्यकर्ता को मौका मिलता है, और
मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, अविनाश त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं, उनका आशीर्वाद और समर्थन योगेश शुक्ला को है, उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, वे शीघ्र स्वस्थ हो हमारी कामना है। और मेरी आप सबसे अपील है, श्री योगेश शुक्ला को भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता के नाते अपना प्रत्याशी बनाकर आपके बीच में उतारा है। हर कार्यकर्ता की अलग अलग समय अलग अलग भूमिका होती है। इस समय योगेश शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में हैं, और मेरी आप सबसे अपील है कि भाइयों बहनों, योगेश शुक्ला यहां पर आपकी पूरी सेवा करेंगे, पूरी मजबूती के साथ बक्सी के तालाब के विकास के लिए पूरी ताकत के साथ कार्य करेंगे। और यहां पर तो आप देख सकते हैं, विधायक आपका, सांसद आपका, लोक भवन में सरकार आपकी और दिल्ली में सरकार आपकी, तो ये तो डबल इंजन नहीं, ये चार चार इंजन आपके विकास को इतनी गुना आगे बढ़ा देगी कि आपको विकास के लिए